नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी पुलिस के समन के बावजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने मंत्री के लखीमपुर खीरी स्थित घर के बाहर दूसरा नोटिस चस्पा किया है, जिसमें आशीष को 9 अक्टूबर को 11 बजे पेश होने को कहा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों से असंतुष्ट है। बकौल कोर्ट, आरोप गंभीर है, इसलिए यूपी सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कहा, क्या हम हत्या के अन्य आरोपियों से भी ऐसे पेश आते हैं जैसे नोटिस भेजना आदि। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर ट्वीट किया है, लखीमपुर खीरी की भयावह घटना, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? हमें आपसे सहानुभूति का सिर्फ एक शब्द चाहिए, ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिब्बल ने आगे लिखा, अगर आप विपक्ष में होते तो क्या ऐसे ही प्रतिक्रिया देते, कृपया हमें बताइए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर कहा है, किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और कोई भी पद या दबाव उनके काम नहीं आएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मामले में आरोपी हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। टिकैत ने कहा कि वो तो अपने बचाव में कहेंगे ही, वहाँ भी जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसमें वो दोषी हैं। एक हिस्ट्री शीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं बन सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को पूछताछ के लिए समन भेजना औपचारिकता है। उन्होंने कहा, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वरना उनसे पूछताछ करने वाले अधिकारी को पहले उन्हें सलाम मारना होगा और फिर सवाल पूछना होगा और जाने से पहले फिर सलाम मारना होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भीमताल से निर्दलीय विधानसभा राम सिंह केड़ा शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। केड़ा ने कहा, मैं बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर आजीवन ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करूंगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की पैरवी कर रहे वकील ने गुरुवार को अदालत में बताया कि उन्हें ग्लैमर बढ़ाने के लिए क्रूज शिप पर वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। बकौल वकील, आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है, आर्यन व 7 अन्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने शुक्रवार को ट्वीट किया, शर्मनाक राजनीति हो रही है, एक युवा शख्स के जीवन व भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने पत्रकार तवलीन सिंह का ट्वीट, मुंद्रा में हेरोइन जब्त होने पर कितने लोग हिरासत में लिए गए, भी रीट्वीट किया। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को कहा कि वो अधिक डेटा और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गलत कामों का पर्दाफाश कर सके। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रीशेड्यूल करके 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे रखी गई है, दरअसल पहले ये शुक्रवार को होने वाली थी। हरियाणा के पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपने अनुयायी रणजीत सिंह की हत्या के लिए दोषी करार दिया। कोर्ट ने मामले में 4 अन्य को भी दोषी करार किया और सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को होगा। राम रहीम पहले से रेप मामले में रोहतक जेल में कैद हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी शुक्रवार को दिल्ली में छठ पूजा समारोह की अनुमति देने के लिए छठ यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, छठ में भक्त पानी में घुटने तक ही उतरते हैं, इससे कोरोना वायरस संक्रमण कैसे फैल सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर छठ पूजा के सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर से हफ्ते में 2 दिन मामलों की फिजिकल सुनवाई दोबारा शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक अन्य दिनों पर मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी। वहीं एससी ने कोर्ट के परिसर में कोविड-19 नियमों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाकर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि आतंकियों द्वारा हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों पर बढ़ते हमले दर्दनाक और निंदनीय हैं। गौरतलब है कि आतंकियों ने कश्मीर में पिछले दिनों कई नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों द्वारा आम नागरिकों की हत्याएं करने पर कहा है, बेगुनाह नागरिकों के खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के खात्मे की पूरी छूट दी गई है और वे पाताल में भी होंगे तो उन्हें खोजकर सजा दी जाएगी। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्याओं के मामले में कश्मीरी पंडितों के संगठनों का आरोप है कि खुफिया सूचनाओं के बावजूद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर कदम नहीं उठाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा, जानकारी मिली है कि कश्मीर घाटी में रहने वाले गैर प्रवासी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं में से व्यवसायी और प्रमुख चेहरों को हटा दिया जाएगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि जल्द देश भर में ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स करने का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। बकौल दास, इससे उन जगहों पर मदद मिलेगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। आरबीआई ने सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान ऐसी टेक्नोलॉजी के 3 सफल प्रायोगिक परीक्षण किए हैं। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।